हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईडी टेक एजुकेशन। आज के हम अपने इस वीडियो में सीखेंगे कि हम एमएस वर्ड की सहायता से कैसे सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे आप सभी हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने एक सर्टिफिकेट डिजाइन कर रखी है नॉर्मली हम, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कैसे कोई भी हमारी सर्टिफिकेट हो वो हमें कोई डिजाइन करनी हो एमएस वर्ड में, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नई फाइल ले लेते हैं आपकी। हमने नई फाइल ले लेती है आपके यहाँ पे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके हमने यहाँ पे नई फाइल आपकी यहाँ पे ओपन कर ली है। उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेआउट में आपका जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद सबसे पहले हम पेपर का साइज सिलेक्ट करेंगे। पेपर का साइज सिलेक्ट कम करेंगे उसमें A4 पेपर साइज, जो हमारा नॉर्मली जो साइज रहता है A4 साइज रहता है। और उसके बाद हम उसकी ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन में हमारा क्या रहता है, जो पोर्ट्रेट होता है जो हमारा, उसमें जो प्रिंट आउट आता है बिल्कुल स्ट्रेट आता है, और लैंडस्केप में जो हमारा प्रिंट आउट आता है वो उसके हॉरिजेंटल में आता है। तो ठीक है, तो हमारे इसमें लैंडस्केप कर दें तो हमारा जो होगा पेपर वो रोटेट हो जाएगा इस प्रकार से। और फिर हम क्या करेंगे उसके बाद, नेक्स्ट जो हमारा करेंगे, जो ये रूलर दिख रहा है आप सबको, इस रूलर को हम क्या है पीछे बैक कर लेंगे इनकी, ताकि हमारा जो मार्जिन है वो यहाँ से हट जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि हमें कंप्लीट पेपर यूज करना है आपके यहाँ पे। इनको भी हम यहाँ से हटा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो सारा हमारा मार्जिन था वो यहाँ से आपका इसमें खत्म कर लिया है। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर चाहते हैं कि हमारे इसमें फ्रेम जो ऐड करना है वो फ्रेम ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हम यहाँ पे शेप्स में जाएंगे, और शेप्स में जो जब आप नीचे आओगे यहाँ पे बेसिक शेप्स जो दिख रहा है आपका, बेसिक शेप्स में हमारी यहाँ पे शेप है फ्रेम। फ्रेम में हम क्या करेंगे, पहले उसका फ्रेम ऐड करेंगे। तो नॉर्मली हमने फ्रेम पे क्लिक करके हम यहाँ से फ्रेम उसमें ड्रॉ कर लेंगे। इस प्रकार से हमने उसमें फ्रेम ड्रॉ कर लिया जो भी आपका। अब हमारा क्या है कि इस फ्रेम को हमें कम करना है साइज, तो साइज कम करने के लिए हमारा क्या करेंगे, थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूं आपका। यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा है, कॉर्नर में हमारा क्या है कि जो पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से हमारा जो फ्रेम की जो वेट है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको दबाए रखें इस पॉइंट को, और यहाँ से इस प्रकार से हम उसकी फ्रेम जो भी जितनी में वेट रखनी है वो हम जो थिकनेस रखनी है वो थिकनेस हम उसकी कम कर सकते हैं। जितनी भी हमें कम करनी है उसकी हम थिकनेस कम कर सकते हैं, नॉर्मल इमेज की ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा साइज एक बार नॉर्मल थोड़ा सा इसका हम छोटा कम कर लेते हैं। अब हमारे क्या इस फ्रेम को सेट करके देखें। ठीक है, इस प्रकार से हमारे फ्रेम, इसमें नीचे हम थोड़ा सा इनको चारों तरफ से अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें सेट करना है उसके हम सेट कर लेते हैं। जो पॉइंट दिख रही है इन पॉइंट की हेल्प से हम इसको सेट कर, इस प्रकार से हमारे इसमें फ्रेम जो आपका सेट हो गया है। अब अगर हमें और थिकनेस कम करनी है तो हम और भी कम कर सकते हैं, जो इतने हमें रखने उतने हम रख सकते हैं। तुमने इतनी इसकी थिकनेस रख ली। अब इस फ्रेम का हमें कलर वगैरह चेंज करना है, तो कलर वगैरह चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में जाएंगे। शेप फॉर्मेट में जाने के बाद हमारा जो आप यहाँ पे यहाँ देखोगे तो इसमें हमारा शेप फिल का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे शेप फिल में जाएंगे और यहाँ से हम ग्रेडियंट का यूज करेंगे। ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं, हमें कोई या कोई टेक्सचर लगाना है तो टेक्सचर का भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कोई टेक्सचर भी ऐड करना चाहते हैं टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं उसमें, या हमारा ग्रेडियंट का यूज करना चाहते हैं हम ग्रेडियंट का भी यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारा कलर आ जाता है। साइड में हमारा बार ओपन करने के लिए हम यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे इसमें आएंगे फॉर्मेट शेप में, हमारे यहाँ पे मिलेगा आपका, जब इसमें कलर फिल करेंगे तो फिल में हमारे यहाँ ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट फिल। ग्रेडियंट फिल में आपके यहाँ पे पॉइंट्स हैं, देख रहे होगे आपके तीन पॉइंट्स हैं, तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें हम अपने अकॉर्डिंग तीन चार जितने भी कलर मिक्स करना चाहते हैं वो कलर मिक्स कर सकते हैं। हमने और पॉइंट ऐड करना, और पॉइंट आपका इसमें ऐड हो गया। तो स्टार्टिंग में हम जैसे नॉर्मली क्या कर लेते हैं आपका, इसमें यहाँ पे हमने कलर जो ऐड करना है वो फर्स्ट में जो ऐड करना है वो हमने ग्रीन कलर ऐड कर लिया। सेकंड पे जो हमें कलर ऐड करना है नॉर्मली हमें जो भी येलो रखना है येलो कर लिया हमने, या रेड रखना है तो आपका इसमें जैसा भी कलर करना है वो रेड कर लिया। फोर्थ में फिर हमें वापिस से क्या करना है, ग्रीन कलर करना है, तो हमने यहाँ पे ग्रीन। इस प्रकार से हम फिर इनकी जो भी हमें कहाँ पे ब्राइटनेस कितनी चाहिए, कहाँ कम ज्यादा करने, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जो भी हमें फ्रेम के ऊपर जो भी कलर वगैरह की जो डिजाइन वगैरह लाना चाहते हैं वो डिजाइन हम लगा सकते हैं। अगर हम यहां से और इसकी फ्रेम की थोड़ी सी थिकनेस कम ज्यादा करना चाहते हैं, थिकनेस कम ज्यादा, इस प्रकार से जो भी हमें कलर उसमें ऐड करना है वो हम कलर उसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारा, उसमें हमें जो मैटर लिखना है, जो कंटेंट लिखना है वो क्या, कंटेंट हमारा क्या क्या हो तो वो कंटेंट ऐड करना है, या हमें इसके अंदर एक और फ्रेम या लाइनिंग और बॉर्डर ऐड करना है तो बॉर्डर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे
और फिर शेप्स में जाएंगे, और शेप्स में जाने के बाद हमारे यहाँ से सिंपल हम एक रेक्टेंगल ले लें। सिंपली हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया ताकि हमारा एक अलग से एक बॉर्डर और दिख जाए आपका उसमें। ये तो हमारा नॉर्मल फ्रेम हो गया, अब हमें बॉर्डर बनाना है तो हमारा वो बॉर्डर भी इसमें बन जाए, उसके लिए हमने एक रेक्टेंगल आपकी बना ली। हम चाहते हैं रेक्टेंगल अंदर से ब्लैंक हो जाए तो हम शेप फिल में जाएंगे, और शेप फिल में जाके यहाँ पे कर देंगे नो फिल। नो फिल में हमारा क्या हो जाएगा, उसकी वो बिल्कुल अंदर से खाली होगी। बट अब हमारा क्या है, ये जो आपका डिजाइन दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी आउटलाइन है आउटलाइन के ऊपर अब हम काम करें थोड़ा है। आउटलाइन में हम क्या करेंगे, फिर यहाँ से भी हमारा ऑप्शन ओपन हो रखे हैं, सॉलिड फिल में, ग्रेडियंट फिल में, जो भी हमें करना है। ठीक है, नो फिल कर दिया हमने, बट हम यहाँ करेंगे शेप फिल में जाके, शेप फॉर्मेट में जाके सॉरी, और यहाँ पे शेप आउटलाइन। शेप आउटलाइन पे हमारा क्या करना है, हमें जो भी हमें इसके डिजाइन चाहिए, जो भी फॉर्मेट चाहिए हमें, लाइनिंग कैसी चाहिए, लाइनिंग हमें इस प्रकार से चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा उसमें है कि जो उसकी थिकनेस आए वो थिकनेस कितनी आए, जो भी उसकी थिकनेस करनी है वो हमने उसकी थिकनेस यहां से कर दी। लाइन के ऊपर हम यहाँ पे जो डिजाइन लगाना चाहते हैं लाइन पे चले गए हमने, यहाँ पे हमने उसकी लाइनिंग जो थी वो सिलेक्ट कर ली है। सिलेक्ट करने के बाद हमारा उस पर जो टाइप है डैश टाइप, लाइन में आए, डॉटेड में आए, जो भी इसके अकॉर्डिंग हमारा वो कर लेंगे, और उसकी विड्थ जो हमने विड्थ कितनी करनी है वो विड्थ हम यहाँ से कर लें, जो भी हम इसकी विड्थ करनी है वो विड्थ कर ली। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे चेंज करते हैं डैश टाइप में हमारा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फॉर्मेट आपका चेंज हो जा रहा है, और हमें ज्यादा करनी है जितनी भी इसकी थिकनेस करनी है वो थिकनेस आप इसमें कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली उसका कलर चेंज करना है, हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो भी उसका कलर चाहिए हमें, ब्लैक ब्लू जो भी उसका कलर चाहिए हम यहाँ से कलर उसमें ऐड कर सकते हैं आपका। ठीक है, कॉर्नर का जो हमारा टाइप है, कॉर्नर का टाइप वगैरह में जो उसमें करना है वो हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो जो डिजाइन लगाने हैं कंपाउंड टाइप में हमारा, उसके ऊपर कैसे डिजाइन आए, इस प्रकार से हम उसमें डिजाइन लगा के भी उसका एक अच्छा सम फ्रेम उसमें तैयार कर सकते हैं। अगर उसकी पोजीशन भी हमें सेट करनी है तो हम यहाँ से इसको उठा के भी रख सकते हैं, या हम एरो की अपने कीबोर्ड में एरो की सहायता से भी इनकी जो एडजस्टमेंट है फ्रेम के, हमारे जो बॉर्डर की जो एडजस्टमेंट है वो हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है, सबसे पहले जो कंटेंट आता है हमें क्या चीज लिखनी है, तो वो हमारा आता है भी हमें सबसे पहले टॉप पे हमारा क्या चीज मेंशन करनी है। तो मेंशन करने के लिए हमने जैसे यहाँ पे लिखना सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, बट हमारे साइज बहुत छोटा है तो हम क्या करेंगे, इसको दिख नहीं रहा आपका ये, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से साइज इसका, यहाँ से भी हम साइज इसका इंक्रीज कर सकते हैं। साइज हमने यहाँ से इनका इंक्रीज कर, जो भी हम इसका साइज चाहिए वो साइज इंक्रीज कर लिया है, और यहाँ से हम एक बार इसकी जूम कर लेते हैं जो एक्चुअली इसका साइज, ताकि हमें पता चलता रहे, तो हमने इसका यहाँ पे साइज एक बार जूम 100% कर लिया। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस, यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है हम यहाँ पे जो फॉन्ट सिलेक्ट करते हैं हमारे, कौन सी हम फॉन्ट सिलेक्ट कर रहे हैं उसके। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हमने जो नॉर्मली इसको सिलेक्ट कर लिया है, हम यहाँ पे जो भी फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे हम देख लेते हैं, अलग अलग डिजाइन आपके यहाँ पे जो डिजाइन देख रहे हैं उसमें अलग अलग डिजाइन है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं ये ओल्ड इंग्लिश वाली जो टेक्स्ट हमारी, इसको सिलेक्ट। तो हमारे इस प्रकार से इसमें आ रहा है, इसका साइज इंक्रीज करना, हम इसका साइज और थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इसको हम बैग ले आते ताकि ये चीज हमारी आज ये सेंटर में कर लेते हैं, अलाइन करके हम सेंटर में कर लेते हैं ताकि जो इसका इंक्रीज हो दोनों लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल जाए, तो हम उसके लिए इसको कर लेते हैं और शिफ्ट करके हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हमारा यहाँ से साइज इंक्रीज करेंगे, अब हम यहाँ पे साइज करके देखते हैं, नॉर्मली हमने यहाँ पे साइज कर लिया आपका यहाँ 60 कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ पे साइज इसका ये सही दिख रहा है, हमें नॉर्मली देखते हैं तो आपका ये साइज हमारा इसमें सही है। अगर कलर हमने नॉर्मल रखना है तो हमने नॉर्मल कलर जो भी आपका इसका रखना है वो कलर हम इसमें कर ले। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इसमें सिंपली हमने टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं वापिस से, जो हमें टेक्स्ट लिखना है। उसके बाद हमारा क्या है, जो भी हमें मैटर देना है, किससे रिगार्डिंग हमारी सर्टिफिकेट हम तैयार कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कर लिया दिस सर्टिफिकेट इज अवार्डेड टू, बट हमारा जो इसमें देख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा आपको, ये जो हमारा इसमें कलर है वो बिल्कुल जो सॉरी जो ये फॉन्ट है क्लियर दिखाई नहीं दे रही है, तो हम यहाँ से इसका फॉन्ट का जो स्टाइल है फॉन्ट जो हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट हैं जो भी हमारी अकॉर्डिंग हम, जैसे हमने ये कर ली बेस्किन ओल्ड फेस जो हमारे फॉन्ट है अच्छी फॉन्ट दिख रही है, हमने इसको कर लिया थोड़ा, इसके यहाँ से हमने साइज यहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं।
ठीक है, साइज हमने यहाँ पे इंक्रीज कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें है, अगर हमें इसमें कोई पिक्चर वगैरह भी आपके ऐड करनी है, ठीक है, तो हम इसमें पिक्चर वगैरह भी आपके इसमें ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारे इसका पिक्चर हमें ऐड करनी है, तो पिक्चर ऐड करने के लिए जैसे हमने यहाँ क्या कर रखा है, नॉर्मल मैंने एक किसके रिगार्डिंग हम ये बना रहे हैं, तो जैसे हम ये बना रहे हैं आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट के रिगार्डिंग बना रहे हैं, तो उसमें हमने इंसर्ट में क्या, मैंने पहले से अपने एक पिक्चर सेव कर रखी है, यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे और दिस डिवाइस में जाएंगे, और जो मैंने पिक्चर पहले से इसमें सेव कर रखी, तो ये पिक्चर हमने इंसर्ट इसमें कर लिया, इस पिक्चर को हमने इंसर्ट कर लिया है। यहाँ पे जानेंगे लेआउट ऑप्शन में, लेआउट ऑप्शन में जाने के बाद हमारा इसमें नॉर्मली इसमें क्या कर देंगे, इसका हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दिया हमने, टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, तो इसके नॉर्मली जो भी इसका साइज वगैरह हमें करना है वो साइज होंगे। बट इसमें आप अगर थोड़ा जूम करके देखोगे इसका, तो हमारा इसका जो बैकग्राउंड है दोनों का सेम मैच नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं इसका बैकग्राउंड भी रिमूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक किया हमने पिक्चर के ऊपर, पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद पिक्चर फॉर्मेट में चले गए, और यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड में हमारा ये चीजें आ गई। अब आप थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं क्लियर, तो हमारी पिक्चर इस प्रकार से आएगी। बट इसमें हमारा क्या है, मार्क एरिया टू कीप, कुछ हम क्या कर लेंगे, मार्क एरिया टू कीप कर लेंगे, कुछ इस हमारे ये जो दिख रहा है ये इसमें हट जाएगा, अगर हम बाहर क्लिक कर देते हैं तो ये हट जाएगा, बट हमारे इसमें क्या, हमें ये चीज लेके आनी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव बैकग्राउंड कर रही है हमने यहाँ पे, और मार्क एरिया टू कीप पे क्लिक करें, जो जो हिस्सा में रखना है उसी हिस्से को हम इस प्रकार से अपने सिलेक्ट कर। जो हिस्सा में रखना है वो हिस्सा में यहाँ पे सिलेक्ट कर, नॉर्मली ये हिस्सा हमारा है ये रखना हमें, तो ये हिस्सा हमने सिलेक्ट कर लिया है, ये ब्रूस हमारी ये दिख रही नहीं रही है साफ, ये इसको हमने थोड़ा सिलेक्ट कर लिया आपका, इस प्रकार से नॉर्मली हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चीजें हमारी ये हट जाएंगी साफ, नीचे से ये पेन है जो है इसको हमें करना है, तो ये आपके इसमें क्लियर हो। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया, जो जो हिस्सा में रखना था वो सारा आ गया है। अब हम अगर बाहर क्लिक करते हैं तो नॉर्मली हमारे पिक्चर में उसमें रिमूव नहीं हो रही। अब इसका हमें जो भी इसका साइज करना है वो हम साइज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमने पिक्चर फॉर्मेट से रिलेटेड हमारे एक स्पेशली हमने इसमें एक पिक्चर के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है। तो हमने जहां भी इस पिक्चर को इंसर्ट करना है उस पिक्चर को हम इंसर्ट कर लेते हैं, जो इसका साइज करना है वो हम साइज करके सिलेक्ट कर, हम इसको नॉर्मली यहाँ पे इस पिक्चर को इंसर्ट कर। उसके बाद हमारी यहाँ पे नॉर्मली हमें जो भी नेम इंसर्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली अपना नाम इंसर्ट कर लेता हूँ, तो इसके बाद हमारे यहाँ पे नॉर्मली हमने इंसर्ट कर लिया है यस तलाब, इसको हम सिलेक्ट करके इसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, यहां से हम इसका साइज इंक्रीज कर ले, साइज इंक्रीज कर लेते हैं हमारा जो भी इसका साइज चाहिए, ठीक है, ये हमारे इसमें नॉर्मली इसका साइज हमने इंसर्ट कर लिया, थोड़ा सेंटर में इसको हम लिया। इसके बाद हमें क्या है, इसका जो भी फॉन्ट से चेंज करनी है तो हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे फॉन्ट कर लिया मोनोटाइप कर, इसमें फॉन्ट चेंज कर लिया, अंडरलाइन ऐड करनी है तो हमने इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन का हमें जैसे भी कलर करना कलर कर सकते हैं इसको, और हमें इसका कलर चेंज करना था यहाँ पे फॉन्ट में जाकर इसका कलर चेंज कर लेते हैं, बट इसमें हमारे साथ के साथ अंडरलाइन का भी कलर चेंज हो गया, बट हम अंडरलाइन का कलर अलग रखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे और अंडरलाइन कलर में जाके इसका कलर, इस प्रकार से हमने इसका अंडरलाइन का कलर आपका यहाँ पे चेंज कर लिया। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे हम साइज छोटा कर लेते हैं इसका, जो हमारे इसका सेम साइज था हम इसका सेम साइज यहाँ पे रख लेते हैं। हम किसके रिगार्डिंग हमारे ये है उसके लिए रिगार्डिंग हम कर सकते हैं, अंडरलाइन हमने यहाँ से हटा लेंगे, और जो भी हमारा है सेम जो फॉन्ट थी वो फॉन्ट हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद हमारे यहाँ पे दिखा देगा रिसेंटली यूज फॉन्ट में, और हम यहाँ पे जो भी लिखना चाहते हैं फॉर गेनिंग, अगर हम इसका कलर भी चेंज करना है ये इसमें रेड में नीचे हमें वापिस से ब्लैक करना है, तो हम यहाँ से ब्लैक सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे फॉर गेनिंग दी फर्स्ट प्राइज ये हमारा, अगर इसका साइज कम करना चाहते हैं तो इसको हम सिलेक्ट करके और यहां से इसका साइज थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं, थर्टी सिक्स की बजाय हम थोड़ा यहाँ पे
24 ही कर लेते हैं, और स्पेस करके हमें यहाँ पे इसको एडजस्ट, जैसे भी इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी है, और वो हम इसमें एडजस्टमेंट कर, इस प्रकार से हमने उसकी एडजस्टमेंट जो भी करनी थी वो हमारी इसमें एडजस्टमेंट हमने कर ली। नेक्स्ट उसके बाद हमें इसमें कोई भी लोगो वगैरह बनाना है तो हम लोगो भी इसमें बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और आपका यहाँ पे शेप्स में जाएंगे, और नीचे आप यहाँ पे आओगे थोड़ा इसको स्क्रोल करके, स्क्रोल करके आने के बाद हमारे स्टार्स एंड बैनर्स मिल जाएंगे। स्टार्स एंड बैनर्स में हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टार ले लेंगे 24 पॉइंट वाले ले लो या 32 वाला, 24 वाला हम स्टार ले लेते हैं आपका इसमें, और थोड़ा जूम करके बनाएंगे ताकि क्लियर हमारे चीज में दिक्कत ना आए। ये हमने एक स्टार बना लिया, उसमें जो उसका एक्चुअल साइज रखना हमें वो साइज रख लेंगे हम। अगर हम इसका थोड़ा सा उसके ऊपर डिजाइन वगैरह जो भी जिस प्रकार से रखना है करें। उसके बाद हम इसका कलर चेंज करना है हमें, यहाँ इसका कलर जो भी करना है, गोल्ड कलर करना है, कलर हमने इसका यहाँ पे चेंज कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें हम क्या करेंगे, फिर एक शेप इंसर्ट में जाएंगे और शेप्स में जाएंगे, और नॉर्मली हम एक रेक्टेंगल इंसर्ट कर लेते हैं। रेक्टेंगल इंसर्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो हम राइट क्लिक करके भी यहाँ पे एडिट पॉइंट्स ओपन कर सकते हैं, या हमारा नॉर्मली हम यहाँ पे जाएंगे अलाइन इसमें, सॉरी यहाँ पे हमने इसको राइट क्लिक करके हमने एडिट पॉइंट ओपन कर लिया है। एडिट पॉइंट करने के बाद उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक पॉइंट को ऐड कर लेंगे, राइट क्लिक करके रेड पॉइंट कर लेंगे। उससे हमारा क्या होगा, जो भी हम इसमें शेप इंसर्ट करना चाहते हो इस प्रकार से हम इसमें शेप इंसर्ट होगी, ठीक है। और नॉर्मली फिर हमारा बार क्लिक कर देंगे, फिर हमारे शेप का जो भी हमें साइज करना है वो साइज हम कर सकते हैं। अब हमारे शेप को रोटेट कर लेंगे, अगर हम रोटेट कर लेते हैं तो आपको अब क्लियर हमारी इमेज समझ में आएगी होगी हमने क्या चीज हमें बनानी है। नॉर्मली मैंने इसको यहाँ पे रोटेट कर लिया, रोटेट करने के बाद इसका साइज थोड़ा सा हमने और छोटा कर लिया आपका। अब हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर, सेम हम कंट्रोल दबा के भी इसको यहाँ से कॉपी उठा सकेंगे तो हमारा एक कॉपी हो जाएगी, नहीं तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, और इस प्रकार से हम इसको रोटेट करके और जो भी हम इसमें इनकी एडजस्टमेंट के जिस अकॉर्डिंग करनी है ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका कलर चेंज करना, हमने यहाँ पे इसका सेम कलर कर दिया है, इनका भी हमारा यहाँ पे सेम कलर हम कर देते हैं, और इनको क्या करेंगे हम बैक कर देंगे, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड में जाके और सेंड टू बैक कर देंगे। सेम हमारा क्या रहेगा, इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे, और नॉर्मली हमारे यहाँ पे हम इस सब क्या करेंगे, सेंटर में एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इंसर्ट में जाके शेप्स में जाने के बाद हमारे यहाँ पे सेंटर ड्रॉ कर ले, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, जो भी हमारे में सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमारे यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ठीक है, अब हमारे इसमें सर्कल ड्रॉ हो गया। अब हम चाहते हैं बैक वाली जो हमारी उसकी शेप्स में हमारी उसकी क्या रहे, यहाँ पीछे से बैकग्राउंड से उसकी आउटलाइन हट जाए, तो हम शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे, उसकी आउटलाइन आपके यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, इसकी आउटलाइन रिमूव करेंगे शेप में जाके नो आउटलाइन। इस प्रकार से हमारे इसमें हम ऐड कर सकते हैं, हमने जो भी लोगो वगैरह बनाना है लोगो इंसर्ट हमने इसमें एक ऐड कर लिया है। अगर हम चाहते हैं इन सबको ग्रुप करना ताकि हम इजीली अब उठाएंगे सारी चीजें हमारी इसमें अलग अलग उठेंगी, तो सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल के साथ, हम सभी चीजों को एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे सेव फॉर्मेट में, और यहाँ से उनको ग्रुप कर लेंगे। अब हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आपकी एक शेप बन गई, कंप्लीट आपकी इसमें क्या हो गया कि ये शेप के रूप में आ गया है, जहां भी हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं वहां हम इसको इंसर्ट कर सकते, हमने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर लिया है। अब हमारा यहाँ पे साइड में कोई भी सिग्नेचर वगैरह के रिगार्डिंग हमें ऐड करना है तो हम यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट के थ्रू भी लिख सकते हैं, या आपका इसमें इंसर्ट में जाते एक टेक्स्ट बॉक्स होता है, टेक्स्ट बॉक्स में जाके हमने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स कर लिया है और यहाँ हम सिंपली टेक्स्ट बॉक्स बना लेते हैं, हमने यहाँ पे कर लिया है। जैसे हम नॉर्मली आर्मी में कर रहे हैं तो आर्मी के रिगार्डिंग सिग्नेचर ऑफ जर्नल हम ले लेते हैं और इसको हम सिलेक्ट करके अब इसका यहाँ से साइज बढ़ा कर, अब हम साइज जैसे इंक्रीज करना है तो हमने यहाँ से साइज इसका इंक्रीज कर लिया। फॉन्ट चेंज करनी है तो हमने यहाँ से इसकी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हैं।
जो भी इसमें करना है हम नॉर्मली इसको कर सकते हैं। हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स रहता है, टेक्स्ट बॉक्स का हमारा बेनिफिट क्या रहता है इसमें, हम इसको जहां भी उठा के जिस भी पोजीशन पे इसको इंसर्ट करना चाहते हैं, जहां पे हमें इसका लोकेशन दिख रही है वहां पे हम इसको इंसर्ट इसमें कर सकते हैं। जो भी हम इसमें जाएगी इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हमें जहां भी इसको रखना है वहां उठा के हमें कर सकते। अगर हमें इसकी टेक्स्ट बॉक्स की लाइनिंग हटानी है तो हम क्या करेंगे, इसको जनरली सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे स्मॉल कर लेते हैं हम, और यहाँ पे आपका अब हम इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे शेप फॉर्मेट में जाके और यहाँ पे शेप आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर दें, तो आपकी आउटलाइन यहाँ से रिमूव हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंग हम जो भी हम इंसर्ट करना जहां भी इसको रखना चाहते हैं वहां हम रख सकते। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें है, अगर हम इसके ऊपर कोई लाइनिंग वगैरह देना है तो हम लाइनिंग भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे और यहाँ से हम लाइन ले लेते हैं। जो भी हम इसमें लाइन शिफ्ट दबा के लेंगे हमारी लाइन बिल्कुल आपकी इसमें स्ट्रेट आएगी, और जो भी हमें लाइन की थिकनेस करनी है वो यहाँ से सेम हमारा शेप आउटलाइन में जाएंगे, और जो भी इसकी थिकनेस करनी है वो यहाँ से हम थिकनेस उसमें कर सकते हैं। और जैसा उसका कलर करना चाहते हैं सेम हम यहाँ से उसका कलर भी सिलेक्ट कर रख लेते हैं, ब्लैक हमने यहाँ पे उसका कर लिया। जो भी उसकी जैसे पोजिशन हमें सेट करनी है जहां पे भी करनी है वो इस प्रकार से हम उसकी पोजिशन सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम कोई भी हम वर्ड में कोई भी सर्टिफिकेट डिजाइन करना चाहते हैं तो वो हम डिजाइन इजीली कर सकते हैं। नॉर्मली हमें क्या है, शेप्स का यूज करना है, शेप्स का यूज करके हम उसमें अपना फ्रेम बनाना है। फिर नॉर्मली हमें थोड़ी फॉन्ट की नॉलेज होनी चाहिए, फॉन्ट से हम फॉन्ट में हमें ऊपर जब हम लिखते हैं हेडिंग में हमें क्या कौन सी फॉन्ट रखनी है, ठीक है। नॉर्मली हमें कोई शेप वगैरह इंसर्ट करनी है तो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो इस प्रकार से हम इजीली अपने कोई भी हमारे सर्टिफिकेट वर्ड में हम डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। हो फ्रेंड्स, आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।